शुभ प्रभात बच्चों, वर्मानी लर्निंग क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपकी पाठ्यपुस्तक जिसका अध्याय 9 नए जूते पढ़ा था, उसमें बताया गया था कि ईश्वर हमें जो कुछ देता है उसका सम्मान के साथ ग्रहण कर लेना चाहिए और महापुरुषों के गुणों को अपनाना चाहिए और हर स्थिति में हमें शांत रहना चाहिए और संतोष की भावना का विकास करना चाहिए। तो इसमें ईरान के एक सुंदर नगर सिराज के बारे में बताया गया था, जिसमें एक छोटा सा लड़का रहता है शादी। तो उसके बचपन में ही पिताजी की देहांत हो जाती है और उसके सारे पालन पोषण की जिम्मेदारी माताजी पे आ जाती है। तो ईद का त्यौहार होता है, बच्चे को जूते चाहिए होते हैं लेकिन माताजी उसको दिलाने में असमर्थ होती है। तो वो ऐसी स्थिति में माँ बहुत ही उदास हो जाती है, लेकिन बच्चा माँ को सांत्वना देता है कि मेरी माँ न रोए, ऐसे जूते से मुझे क्या करना, मुझे जूते नहीं चाहिए। वो माँ को सांत्वना देता है और वहाँ कमरे में जाकर रात को सो जाता है। जब वो सोता है तो उसको आधी रात में एक सपना दिखाई देता है। सपने में उसको एक देवदूत दिखाई देता है जो उसको एक आलीशान इमारत के सामने ले जाकर खड़ा कर देता है और कहता है कि खुदा से जो भी तुम्हारी शिकायतें हैं वो सब दूर हो जाएगी। और वह कहता है कि दरवाज़ा खोलो और अंदर जाओ। अब आप आगे का अध्ययन करेंगे कि अंदर जाकर शादी इमारत के अंदर क्या देखता है। शादी ने दरवाजे को हाथ लगाया, दरवाजा अपने आप ही खुल गया। अंदर तीन व्यक्ति अपनी अपनी बेबसी का रोना रो रहे थे। अब शादी ने जैसे ही उस इमारत का दरवाजे को हाथ लगाया, दरवाजा अपना खुल गया और शादी अंदर क्या देखता है, तीन व्यक्ति अपनी बेबसी का रोना रो रहे हैं, अपने दुख का रोना रो रहे हैं। पहला व्यक्ति, अब तीनों में से पहला व्यक्ति बोलता है, पहला व्यक्ति रो रो के कह रहा है, ए खुदा मेरी सारी धन दौलत ले ले, लेकिन मुझे आँखों की रोशनी दे दे। तो पहला व्यक्ति है जो रो रहा है और खुदा से क्या मिन्नत कर रहा है कि ए खुदा मेरी सारी धन दौलत ले ले और मुझे अपनी आँखों की रोशनी दे दे। इसका मतलब उसका आँखों से उसको दिखाई नहीं दे रहा था। तो अगर सारे सुख है अपने पास लेकिन अपन अंग विकार है, अंधे हैं, पैरों से अपाहिज हैं, तो सुख अपने कुछ काम के नहीं है। इसीलिए वो व्यक्ति आँखों की रोशनी के लिए रो रहा है कि खुदा मेरी ये जो धन दौलत है सब ले ले, लेकिन मुझे मेरी आँखों की रोशनी दे दे। अब दूसरे आदमी की गिड़गिड़ाहट बड़ी दर्दनाक थी। वह कहना था, ए खुदा तूने मुझे दुनिया की सारी हर चीज़ दी है, धन दौलत मेहनत और इज्जत, लेकिन टांगे नहीं दी। अब दूसरे व्यक्ति के पास क्या है, नहीं है टांगे, नहीं है। तो बहुत ही बेबसी से रो रहा है, गिड़गिड़ा कर खुदा से मिन्नतें कर रहा है कि ए खुदा तूने मुझे दुनिया के सब धन दौलत रुपए पैसे इमारत मकान सब दिए लेकिन अब मेरी टांगे नहीं है। तो ए खुदा मुझसे तू सब कुछ छीन ले, लेकिन मुझे मेरी टांगे दे दे। अब दूसरा बंदा क्या मांग रहा था, टांगे मांग रहा था खुदा से। तीसरा आदमी भी बहुत दर्द भरी आवाज में कह रहा था, ए खुदा मुझे तो सुनने की ताकत दे दे और दुनिया की हर चीज ले ले। अब वो तीसरा आदमी था, वो कह रहा था कि खुदा मुझे तो सुनने की ताकत दे दे, उसे कानों से नहीं सुनाई दे रहा था, और मेरी जो भी हर चीज है वो सब मुझसे ले ले। तो इसमें क्या बताया गया है कि हमें जो कुछ मिला उसमें संतोष करके रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया के सांस सुख सबको नहीं मिलते। किसी को धन मिलता है तो शरीर का सुख नहीं मिलता है, किसको शरीर का सुख मिलता है तो धन नहीं मिलता है। तो सबसे पहला सुख अपनी काया निरोगी शरीर का सुख होता है, धन दौलत सब पीछे है। यह दर्शन देखकर शादी के दिमाग में एक सच्चाई उतर गई। अब इन सब जब तीनों व्यक्तियों को देखा तो शादी के दिमाग में सच्चाई उतर गई, अरे दुनिया में तो हमसे भी बेबस लोग हैं। शादी मुड़ा तो देवदूत गायब था। अब जब तीनों लोगों को रोते हुए देखा तो शादी सब सच्चाई समझ गया था कि दुनिया में तो हमसे भी बेबस, हमसे भी दुखी लोग बहुत हैं। और जैसे ही शादी पीछे मुड़ता है तो देवदूत गायब हो जाता है, देवदूत उसके पास नहीं रहता है। तभी माँ ने शादी के सिर पर हाथ फेर, अब उसका सपना भी खत्म हो जाता है। तभी सुबह हो जाती है और शादी की माँ उसके सिनाने आके बैठती है और उसके सिर पर हाथ फेरती है। वे कहाँ, शादी उठो, ईदगाह नहीं जाओगे, सुबह हो गई। तो शादी की माँ आती है और उसके सर में हाथ फेरते हुए कहती है, शादी उठो, सुबह हो गई, ईदगाह नहीं जाना है। शादी की नींद टूट गई। माँ ने मुस्कुराकर कहा, अगर खुदा ने चाहा
तो अगले साल तुम्हारे लिए जूते भी खरीद लूंगी। अब शादी की नींद टूट गई। माँ ने जब हाथ फेरा सर में तो शादी उठ जाता है, उसकी नींद खुल जाती है। तो और माँ मुस्करा कर कहती है कि अगर खुदा ने चाहा, अगर भगवान ने चाहा तो अगले ईद तक तुम्हें नए जूते लाकर दे दूंगी। नहीं अम्मी, मुझे नहीं चाहिए नए जूते। अब शादी कहता है कि नहीं अम्मी, मुझे नए जूते नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो सपने में देख चुका है कि हमसे भी बेबस लोग बहुत हैं जिनके पास शरीर का सुख भी नहीं है। अम्मी, मैं नहीं जानता था कि दुनिया में इतने बेबस लोग भी रहते हैं जिनके पास देखने, सुनने और चलने की, फिरने की ताकत भी नहीं होती है। मुझे तो खुदा ने दो आंखें, दो कान, दो टांगे दी हैं। मैंने खुदा के बारे में भला बुरा सोचा। अम्मी, मैं माफ़ी मांगता हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो शादी कहता है अम्मी से, अम्मी अम्मी मुझे नहीं पता था कि हमसे बेबस भी दुनिया में, हमसे दुखी भी और लोग हैं। मैं तो खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि खुदा ने मुझे दो कान दिए, दो आँखें दी हैं, दो टांगें दी हैं, मुझे सब कुछ दिया है। मैं खुदा के बारे में जो भला बुरा सोच रहा था, इसके लिए मैं खुदा से माफ़ी मांगता हूँ और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्यों धन्यवाद देता हूँ? क्योंकि खुदा ने हमको शारीरिक सुख, शरीर का सुख दिया है। आँख, नाक, कान, मुँह, जो भी जरूरत की चीज़ें वो भगवान ने हमें दिए। अगर बच्चों हमारे पास आँख ना हो तो हम देख नहीं सकते हैं, तो वो सारा धन हमारे लिए क्या काम का? जब कान ही नहीं है तो हमें सुना ही नहीं देगा, तो हम उस धन दौलत से क्या करेंगे? हाँ, और जब टांगे ही नहीं है, हम चल ही नहीं सकते हैं, तो उस धन का क्या फायदा? तो सबसे अच्छा सुख क्या है? निरोगी काया। यही नन्ना शादी बड़ा होकर शेख शादी के नाम से फारसी का प्रसिद्ध कवि हुआ। और यही शादी नाम का जो बच्चा था, बड़ा होके शादी के नाम से, शेख शादी के नाम से फारसी का प्रसिद्ध कवि बना। बच्चों, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ हमारी कहानी पूरी होती है। धन्यवाद।